प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आंदोलन पे आंदोलन, चेतावनी पे चेतावनी, उसके बाद भी बिजली बिलों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे महाराष्ट्र में बिजली की समस्या चरम पर है और अब तक महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध हुए, अभी भी विरोध जारी है, लेकिन उसका भी असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिजली बिलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी पिछले दिनों कहा था, जो गड़बड़ी है बिलों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में, उसे जल्द से जल्द वापस ठीक करके भेजें, लेकिन उसका भी असर अब तक तो दिखाई नहीं दिया है। कलवा मुमरा में टोरेंट का कब्जा है और टोरेंट ने बिलों को वसूलने का ठीका और समस्याओं को सुलझाने का ठीका लिया है। क्या सिर्फ वसूलने का ठीका लिया है? बिल जिनके ज़्यादा आए हैं उसको कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस मुद्दे पर नेताओं से, मंत्रियों से सवाल पूछे जाने पर उनका साफ कहना होता है कि बिल तो MSEB बनाती है, टोरेंट तो सिर्फ पैसे वसूलने का काम करती है, पैसे वसूलने की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना रीडिंग के MSEB ने कैसे बिल भेजी है, इस पर जवाब कौन देगा? अगर बिना रेडिंग के एवरेज बिल भेजा जाता है तो उसको सुधारने का काम किसका है? इस पर सत्ताधारी कैसे खामोश हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यही वजह है कि टोरेंट की मनमानी, बिलों की गड़बड़ी के चलते लगातार आए दिन आवाज़ उठ रहे हैं। आज कलवा के मार्केट रोड गुणसागर नगर में आज हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जहाँ पर लोगों ने इस हस्ताक्षर अभियान में अपना विरोध दर्ज किया है। दरअसल हम आपको बता दें, ये जो अभियान है ये सीधा पोस्ट कार्ड है, जिसपे लोगों की डिटेल्स और नाम लिखकर ये सीधा उद्धव ठाकरे जो CM है महाराष्ट्र के, उनको पोस्ट किया जाएगा। कल रेती बंदर के पास इस अभियान को चलाया जाएगा। BJP के कार्यकर्ता मोतीकर का कहना है, इस हस्ताक्षर को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे जाएंगे ताकि इसमें सुधार लाएं। हम सुनाते हैं आखिर उनकी मांग क्या है। मैं माधुरी सोसाइटी का सेक्रेटरी के नाते से बोल रहा हूँ कि ये जो लाइट बिल आए हुए हैं, इससे हम खुद परेशान ही है, लेकिन सोसाइटी के हर एक लोगों का कंप्लेंट आ रहा है कि हम लोग के पास कि साहब ये बिल ज़्यादा आया है, हम लोग कभी यूज़ नहीं किया है, इतना पावर हम लगा नहीं है, हम लोग के मीटर बंद है, फिर भी ये इतना लाइट बिल दिया हुआ, और ये लाइट बिल जो दिया हुआ है ये कोई भी रीडिंग लेके नहीं दिया है, टोटली एवरेज के ऊपर दिया हुआ है। इस हिसाब से किसी को भी इस बिल के लिए कोई भी खुशी ये भरना नहीं चाहता है, फिर भी वो बिल भरने नहीं गए, भरा नहीं तो बोल रहे कि हम लोग मीटर काट देंगे, जिसके लिए पहला बिल भरो बाद में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सब सारांसार जो पब्लिक की लूट हो रही है, और ये लूट के लिए पूरी तरह से शासन जिम्मेदार है या टोरंटो कंपनी जिम्मेदार है, क्यों? मैं यही निवेदन करता हूँ कि शासन ने इसी ऊपर ध्यान दे के ये टोरंटो कंपनी का जो बिल बढ़ा हुआ है वो बिल कम करके गरीब आम जनता को उससे राहत दिलाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी इस कलवा जहाँ टोरंटो वाले ने अपना न्यू डाला हुआ है, यहाँ पे ऐसा कर दिया कि गरीब लोगों का तो हालत ख़राब कर दिया इसने। ऐसा कि जब से लॉकडाउन लगा है 20 मार्च से इतना बिल आ रहा है, ये लोग घर पे रीडिंग भी नहीं लेते मीटर का, विदाउट रीडिंग का ये लोग बिल भेजे, ऊपर से जितने हैं इनका यूनिट के हिसाब से, पहले के यूनिट के हिसाब से लोग बिल भेज रहे हैं, कितने तो गांव भाग गए, चाहे वो अपने महाराष्ट्रीयन भाई हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, या कोई भी स्टेट का अपना इंसान हो, वो सब अपने गांव भाग गए हैं और रूम बंद है, तो भी उनका बिल जो है ना पुराने के हिसाब से ही बिल आ रहा है। किसी का 5,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 तक बिल आया हुआ है। ऐसे बहुत से ऐसे बिल दिया इन्होंने और आँख बंद करके भी बिल भेजा हुआ इन्होंने। तो इस पे जो है मैं बोलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र के, उनको इसको उसके ऊपर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये गरीबों का हालत ख़राब हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद जो ये जो बिल बढ़ा है, मैं बोलता हूँ कि अभी कितने लोगों का काम धंधा बेरोजगार हो गए हैं, तो जो बिल आया इतना बढ़ा के आया उसको पीछे लें। ये मेरा यही मांग है ठाकरे साहब से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने सुना, कलवा मुमरा में आए दिन टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, मगर कब सुधरेगी बिलों की गड़बड़ी, इसके लिए संदेह में भी जी रहे हैं, यानी जनता जी रही है, अभी भी इंतज़ार कर रही कि शायद MSEB की तरफ से जो बिल
बनाए जा रहे हैं उसमें सुधार हो। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।